दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जो आपको तीन होम्योपैथिक मदर टिंचर बताए हैं ये केवल पेन किलर का रिप्लेसमेंट है। यानी कि अगर आप अंग्रेजी दवाइयां ले रहे हैं दर्द के लिए, पेन के लिए, तो आप उसकी जगह इन मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों अगर आपको अर्थराइटिस है, आपके घुटनों में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या साइटिका का दर्द आपको रहता है, दर्द मसल्स का है, दर्द नसों का है या दर्द बोन का है, तो किसी भी तरह का दर्द अगर आपको वात रोग से संबंधित होता है तो मैं आज आपको तीन मदर टिंचर के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मान लिया आपको जॉइंट्स पेन है या किसी भी तरह का दर्द है, आप उसे लेके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर आपको या तो कैल्शियम की दवाई देंगे, विटामिन D3 की दवाई देंगे, और अगर दर्द आपको बहुत ज्यादा है तो वे आपको पेन किलर देंगे। एलोपैथिक डॉक्टर आपको मिथाइल कोबामिन या डेक्लोफिनाक आदि दवाइयां देते हैं। इन पेन किलर से कुछ समय के लिए दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन इनका लगातार प्रयोग करने के बाद कुछ दिनों के बाद में ये पेन किलर अपना काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगवाने की सलाह देते हैं। स्टेरॉयड का ये इंजेक्शन लेने के बाद में रोगी को लंबे समय तक दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन दोस्तों स्टेरॉयड का प्रयोग बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इससे कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए आपका दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन इसका प्रयोग करने के बाद में व्यक्ति के ऊपर दूसरी पेन किलर काम करना बंद कर देती हैं। ऐसी कंडीशन में आपको लगातार स्टेरॉयड पर ही रहना पड़ता है, और दोस्तों स्टेरॉयड छोड़ने के बाद में इतना तेज दर्द होता है जितना दर्द पहले था उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द बढ़ जाता है। अब ये दर्द केवल स्टेरॉयड के इंजेक्शन से ही ठीक होता है और दूसरी दवाइयां कोई काम नहीं करती। दोस्तों स्टेरॉयड के इन इंजेक्शन से आपकी बॉडी के अंदर का हर एक ऑर्गन प्रभावित होता है। मैं हमेशा ही लोगों को जागरूक करता हूं कि आप कतई भी स्टेरॉयड का इस्तेमाल ना करें, लेकिन भोला भाला इंसान जानता नहीं है कि स्टेरॉयड का मतलब क्या है। वे लोग फंस जाते हैं ऐसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाकर, और कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं जो गांव देहात में उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है फिर भी वो स्टेरॉयड के इंजेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, ये इंजेक्शन तुरंत काम करता है, मरीज को ऐसा लगता है कि जैसे उसके दर्द में तुरंत आराम मिल गया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये उसके लिए आने वाले समय के लिए कितना खतरनाक है। उसको आने वाले टाइम में कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, और इसके साथ साथ बॉडी के ऑर्गन भी अंदर से खराब हो जाएंगे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि हर वो इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, ताकि इससे एक अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले कि स्टेरॉयड का प्रयोग कितना घातक हो सकता है। हमने देखा है कि जो लोग लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहे हैं उनका जीवन बद से बदतर हो जाता है, दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कोई दवा काम नहीं करती। तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी का ही सहारा लें, क्योंकि एक्यूट कंडीशन में जब आपको बहुत तेज दर्द है उसमें होम्योपैथी से बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अभी मैं आपको तीन ऐसे होम्योपैथिक मदर टिंचर बताऊंगा कि अगर आपको बहुत तेज दर्द है, अगर आपको स्लिप डिस्क है, अगर आपको जॉइंट्स पेन है, अर्थराइटिस है और आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ये मदर टिंचर लेने से आपको तुरंत आराम मिल जाएगा और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इनमें सबसे पहला मदर टिंचर है रोटा क्यू, दूसरा है रस्टॉक्स क्यू और तीसरा है ग्वाइकम क्यू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप नाम नोट कर लीजिए। पहला है रोटा क्यू, दूसरा है रस्टॉक्स क्यू और तीसरा है ग्वाइकम क्यू। मैं इन तीनों मदर टिंचर के नाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी नोट कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कभी भी किसी को जोड़ों का दर्द होता है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है या किसी के कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप उन्हें इन तीनों मदर टिंचर को दे सकते हैं, जिनसे उनको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इन तीनों मदर टिंचर में से 10-10 ड्रॉप आधे कप पानी में डालिए। इस प्रकार आपको ये तीनों मदर टिंचर दिन में 3 बार लेना है। अगर आधे कप पानी में डालकर आपको पानी ज्यादा कड़वा लग रहा है तो आप उसकी मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो आप इसे 3 टाइम की जगह दिन में 4 से 5 बार भी ले सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसे लगातार 1 महीने से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने लगातार 1 महीने तक ये तीनों मदर टिंचर इस्तेमाल की हैं, फिर आपको बीच में 15 दिन का गैप रखना है, उसके बाद आप दोबारा से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मदर टिंचर के प्रयोग से आप अपने दर्द में, आप अपने रोग की एक्यूट कंडीशन में तुरंत आराम पा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताना चाहता हूँ। दोस्तों
ये मदर टिंचर आपकी बीमारी को क्योर नहीं करेंगी। बीमारी को क्योर करने के लिए आपको पोटेंसी वाली होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लेना होगा, जिसमें आपको 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी या 1 mg पोटेंसी भी लेनी पड़ सकती है। तो बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेनी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होती है? ये वे मेडिसिन होती हैं जो आपके मानसिक लक्षणों के आधार पर, आपके शारीरिक लक्षणों के आधार पर तय की जाती हैं, तभी आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने जो आपको 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर बताए हैं, ये केवल पेन किलर का रिप्लेसमेंट है। यानी कि अगर आप अंग्रेजी दवाइयां ले रहे हैं दर्द के लिए, पेन के लिए, तो आप उसकी जगह इन मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मदर टिंचर आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके दर्द में आराम देंगे। और दोस्तों, इनका असर पहली खुराक से शुरू हो जाता है, तो अगर आप अपने दर्द में जल्दी आराम चाहते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो आप इन 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपके किसी साथी को, आपके किसी परिचित को जॉइंट्स पेन की समस्या है, तो उन्हें हमारा ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।